हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एएलपी में जो आपसे साइंस पूछी जाएगी 20 नंबर की, उसके सिलेबस को हम डिटेल में एनालाइज करने वाले हैं। अब देखो, आपको पता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों से क्वेश्चन आने हैं, तो किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं और सब्जेक्ट के अलावा किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर के आधार पर पूरा डिटेल एनालिसिस आपको मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। एंड इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये पता लग जाएगा कि साइंस में आपको कितना पढ़ना है और कौन कौन से टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करना है। आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, इससे पहले मैंने 2 या 3 वीडियो बनाए हैं। अगर आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो एएलपी भर्ती 2024 करके एक प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, उसमें आपको ये वीडियोज़ देखने को मिल जाएंगे। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का पूरा सिलेबस डिटेल में डिस्कस किया है, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं वो मैंने बताया है। उसके अलावा मैथमेटिक्स और रीजनिंग का ऑलरेडी वीडियो मैं बना चुका हूं, तो ये तीनों वीडियो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम साइंस के एक एक टॉपिक को डिटेल में एनालाइज करने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। साथ ही आप लोगों को बता दूं, देखो यहाँ पे एएलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी आ चुकी है, और अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो मॉक टेस्ट का क्या महत्व रहता है ये आपको पता है। तो टेस्ट बुक की तरफ से एंड ऑफ विंटर सेल अभी चल रहा है, जिसका लाभ आप लोग 29 फरवरी तक ले सकते हैं। यहाँ पे ईयरली टेस्ट बुक पास आपको 263 में और टेस्ट बुक पास प्रो आपको 351 में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जब आप परचेज करेंगे और EG10 कोड का यूज करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ पे मिल जाएगा। साथ ही 100% रिफंड भी आपको मिलेगा अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, टेस्ट बुक की तरफ से 80% से ज्यादा क्वेश्चन 2018 एएलपी में देखने को मिले थे, तो क्वालिटी क्वांटिटी दोनों आपको यहां पे मिलती है, इसका लाभ आप लोग जरूर। तो देखिए, साइंस का सिलेबस दिखाने से पहले आपको बता दूं, ये बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का जो आपका सब्जेक्ट है उसका मैंने पूरा वीडियो बनाया था, तो यहाँ पर भी मैं आपको शॉर्ट में दिखा दे रहा हूँ। टोटल 16 टॉपिक हैं और यहाँ पर वेटेज मैंने क्लियरली मेंशन किया है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद अगर बात करें मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स के अगर टोटल टॉपिक्स की मैं बात करूं तो 23 टॉपिक्स से आपके क्वेश्चन आते हैं और 4 तरह के सेक्शन में मैंने उसको डिवाइड किया हुआ है। बेसिक टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, फॉरएवर टॉपिक्स और सिलेक्शन ओरिएंटेड टॉपिक्स। कहाँ से कितना वेटेज रहता है यहाँ पर आप देख सकते हैं। बाकी अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो इसका डिटेल वीडियो जरूर देखें। उसके बाद ऐसा ही कुछ वीडियो मैंने रीजनिंग के लिए भी बनाया था, 25 नंबर की रीजनिंग आती है, यहाँ पर भी 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड करके बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ें डिटेल में बताई है। तो ये वीडियोस जाकर आप लोग मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जरूर देखें, आपको एएलपी एग्जाम में बहुत बेनिफिट मिलेगा। अब उसके बाद फाइनली हम लोग बात कर लेते हैं साइंस की, तो CBT 1 में जो साइंस है वो 20 नंबर की आने वाली है। अब ये 20 नंबर कैसे आपको कवर करने हैं, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बता दूं, यहाँ पे अगर बात करें तो वेटेज सबसे ज़्यादा फिजिक्स का रहता है। अगर आप प्रीवियस ईयर भी देखेंगे तो वेटेज फिजिक्स का ही सबसे ज़्यादा रहेगा, और यहाँ पर प्रीवियस ईयर सेट के आधार पर मैंने एनालाइज किया चीज़ों को, तो 8 मार्क्स की फिजिक्स लगभग आपसे पूछी जा सकती है। लेकिन ये पूरी तरह से फिक्स भी नहीं होता है, कई बार ये नंबर इंक्रीज भी हो सकता है, ये 9 से 10 भी जा सकता है, या फिर ये थोड़ा सा कम भी हो सकता है, 6 से 7 भी हो सकता है, क्योंकि रेलवे में देखो कुछ भी चीजें फिक्स नहीं होती है। लेकिन एक जो स्टैंडर्ड है यहां पर रेलवे का वो यही है कि फिजिक्स थोड़ी ज्यादा आती है, केमिस्ट्री और बायोलॉजी थोड़ी कम आती है। अगर बात करें यहां पर टॉपिक्स की, देखो फिजिक्स की यूनिट एंड मेजरमेंट का जो टॉपिक है, एक क्वेश्चन लगभग सभी शिफ्ट में आपको देखने को मिलेगा। साथ ही मैं एक चीज बता दूं, जैसे यहां पर ये फिजिक्स के पूरे 12 टॉपिक मैंने लिए हैं, तो जरूरी नहीं है कि आपके सेट में 12 ही टॉपिक से क्वेश्चन आए, हो सकता है कि यहां पर ये ऊपर के 5 टॉपिक से ही क्वेश्चन बन जाए और ये जो 8 क्वेश्चन है ये इन्हीं 5 टॉपिक से बन जाए। लेकिन जो वेटेज रहेगा टॉपिक का वो मैंने यहां पर क्लियरली मेंशन किया है, यूनिट एंड मेजरमेंट है, अगर आपके सेट में यहां से क्वेश्चन आता है तो एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। लाइट वाला चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना फिजिक्स का जो लाइट वाला चैप्टर है ये सबसे लेंथी भी है और सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी यहां से रहती है। इसमें आपका रिफ्लेक्शन, रिफ्रेक्शन, बहुत सारे सब टॉपिक्स बनते हैं और जो आपका प्रिज्म वगैरह है वो सारे इसी में आते हैं, तो उसको बहुत ध्यान से पढ़ना क्योंकि ये सबसे ज्यादा मार्क्स आपको दिलाएगा। साउंड वाला जो चैप्टर है, ध्वनि वाला, एक क्वेश्चन आपकी शिफ्ट में देखने को मिल सकता है। इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, से कम एक क्वेश्चन या ज्यादा से ज्यादा 2 क्वेश्चन आपकी शिफ्ट में आ सकते हैं। उसके बाद जो मैकेनिक्स वाला चैप्टर है, जिसमें वर्क, पावर, एनर्जी, यहां से न्यूमेरिकल 100% आपकी शिफ्ट में आएगा और 2 क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी यहां से बनी रहती है। उसके बाद बात करें वेव यानी कि तरंग और हीट यानी कि ऊर्जा वाले में से एक क्वेश्चन लगभग आपको देखने को मिल जाएगा इन दोनों चैप्टर में से आपकी शिफ्ट में, हो सकता है कि वेव से आ जाए या फिर आपकी शिफ्ट में हीट से आ जाए। उसके बाद बात करें अगर हम लोग यहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स और मैग्नेटिज्म, तो दोनों चैप्टर को मिला के 2 क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी यहां से भी रहती है। ग्रेविटेशन का 1 क्वेश्चन आपकी शिफ्ट में देखने
को मिल सकता है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 2 क्वेश्चन लगभग यहां से भी आपको देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद यहां पर मॉडर्न फिजिक्स या न्यूक्लियर फिजिक्स का 1 क्वेश्चन कई बार आपके शिफ्ट में आ जाता है, ये इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं है लेकिन 1 क्वेश्चन कई बार आपसे पूछ लिया जाता है। तो ये बेसिकली 8 नंबर का फिजिक्स आपका रहता है। बात करें अगर हम लोग केमिस्ट्री की, तो देखो यहां पर भी टोटल 7 मार्क्स का वेटेज रहता है केमिस्ट्री का, लगभग ये 6 का भी हो जाता है कई बार और ये 8 का भी हो सकता है। वैसे केमिस्ट्री थोड़ा सा जो है फिजिक्स से कमी पूछी जाती है। मैटर एंड इट्स प्रॉपर्टीज सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है केमिस्ट्री का, 1 क्वेश्चन डेफिनेटली हर शिफ्ट में आएगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर इसको बहुत ध्यान से पढ़ना, थोड़ा सा लेंथी चैप्टर भी है और 2 क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी यहां से रहती है। केमिकल रिएक्शन तो ये मान लो ग्रुप डी में अगर आपने देखा होगा या प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में देखा होगा, 1 रिएक्शन 100% आएगी तो बैलेंस करने के लिए आ जाएगी या रिएक्शन देगी, ये पूछ लेगा कौन सी रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है या कौन सी रिएक्शन है वो आपसे पूछ लेगा। मेटल एंड नॉन मेटल लेंथी चैप्टर है केमिस्ट्री का, लेकिन ये ध्यान से पढ़ लेना, 2 क्वेश्चन सभी शिफ्ट में लगभग यहां से आते हैं। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, देखो पीरियोडिक टेबल के बिना केमिस्ट्री अधूरी है, ये बात आप भी जानते हो। 2 क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी हर सेट में देखने को मिलती है। पीरियोडिक टेबल को बहुत अच्छे से पढ़ लेना, कितनी रोज होती है, कितने कॉलम होते हैं, सारी जो प्रॉपर्टीज वगैरह हैं वो पीरियोडिक टेबल की अच्छे से पढ़ लेना। एसिड बेस एंड सॉल्ट छोटा सा चैप्टर है, 1 क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलेगा। एलॉयज की बात करूं तो एलॉयज से भी 1 क्वेश्चन आपके शिफ्ट में देखने को मिल सकता है। ओर एंड मेटलर्जी, ओर के नाम आपसे पूछ सकते हैं या मेटलर्जी वाला जो चैप्टर है, और साथ ही जो फ्यूल सॉप और एक्सप्लोजिव, इन सबको मिला के 2 क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी रहेगी। उसके अलावा केमिस्ट्री में साइंटिफिक नेम या नॉमन क्लेचर वगैरह ये आपसे पूछ लिए जाते हैं, 1 क्वेश्चन यहां से भी आपसे पूछा जा सकता है, जैसे कि केमिकल नेम वगैरह पूछ लेते हैं। अब बात करते हैं बायोलॉजी की। बायोलॉजी का वेटेज लगभग 7 मार्क्स का रहता है, लेकिन अगर केमिस्ट्री का वेटेज कम होगा तो बायोलॉजी का वेटेज बढ़ेगा। मान लो केमिस्ट्री का 6 हो जाता है तो यहां से 8 क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी हो जाती है। सबसे पहले आपको ह्यूमन बॉडी पढ़नी होगी, सभी सिस्टम जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम और आपका जो है स्केलेटन सिस्टम, ये सारे सिस्टम आपको पढ़ने होंगे। 2 से 3 क्वेश्चन 100% आते हैं और यही बायोलॉजी के सबसे मेन टॉपिक होते हैं। विटामिन के नाम, ठीक है, किस विटामिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, 1 क्वेश्चन लगभग हर शिफ्ट में आता है। ह्यूमन डिजीज ये पढ़ लेना कि आपकी जो है वायरस के कारण कौन सी डिजीज होती है, बैक्टीरिया के कारण कौन सी डिजीज होती है, 1 क्वेश्चन लगभग सभी शिफ्ट में आता है। टैक्सोनॉमी की बात करूं तो 1 क्वेश्चन यहां से भी आ जाता है, जिसको वर्गीकी वगैरह बोला जाता है हिंदी में। उसके बाद एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, दोनों ही टॉपिक बहुत लेंथी है और दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं यहां से और ये टॉपिक ऐसे हैं जो हर स्टूडेंट कंप्लीट भी नहीं कर पाता है। बाकी आगे फ्यूचर वीडियोज में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कहां से आप इन टॉपिक्स को कंप्लीट कर सकते हैं। सेल एंड टिश्यू, 1 क्वेश्चन आ सकता है। ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी का 1 क्वेश्चन आ सकता है। जेनेटिक्स और इन्वेंशंस, इन्वेंशन ध्यान से पढ़ लेना, जितनी भी इन्वेंशन है यहां से 1 साइंटिस्ट का नाम आपसे पूछा जा सकता है कि इसका आविष्कार किसने किया, और ये इन्वेंशन केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी तीनों को मिला के पूरा एक चार्ट तैयार कर लेना। मेरे नोट्स में जो चार्ट है वो मैं अपने टेलीग्राम में भी प्रोवाइड करा दूंगा। जितने भी साइंटिस्ट हैं मैंने सारे नोट डाउन किए थे जब मैं तैयारी कर रहा था, वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो ये बेसिकली पूरा वेटेज है बायोलॉजी का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैंने आपको बता दिया है। आई होप वीडियो आपको हेल्पफुल जरूर लगा होगा। ऐसी वीडियोज देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।